फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिनसर महादेव, और ये हमारे जो भक्त जन हैं मिल चुके हैं यहाँ पे। तो सभी एक बार जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हर महादेव। और देखिए यहाँ हर प्रतिवर्ष जो है बिनसर का मेला लगता है जून के महीने में, और अभी यहाँ पे कथा चल रही है। और कथा का जो समय है ये आपके अप्रोक्सिमेटली, हम आपको दिखाते हैं एक बार। तो ये पिक्चर देखो जी, ये उन्होंने ओम नमः शिवाय बनाया था। तो उमेश बिस्टा जो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो अगर हमारे उमेश भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उमेश भाई आपने बहुत ही मतलब ज़बरदस्त बनाया, और ये मतलब बिनसर महादेव को एक वो देता है, एक लुत्फ देता है जो भी कहो, ये ओम नमः शिवाय। और बाकी इस साइड ही पहले मेला लगा करता था भाई ने दोबारा चौथी बार। तो पहला राउंड जय श्री राम, तो दूसरी बॉल पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं फिश ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं बिनसर महादेव। कहाँ जा रहे हैं भाई? बिनसर ही ना, हर हर महादेव। तो भाई एक बार हर हर महादेव का नारा लगा था सारे, हर हर महादेव। तो अभी जा रहे हैं, नीचे बाइक खड़ी है और बाइक की चैन काफ़ी आवाज़ कर रही है, तो चैन को ल्यूब करते हैं। तो स्प्रे लेके जा रहे हैं मोटूल का, तो उसको भी ज़रूरी है क्लीन करना। देखिए तो इनको ना थोड़ी कहानी बता देते हैं हम बिनसर की। बिनसर के गांव से हम जा रहे हैं, यहाँ रहते थे पहले मनिहाल लोग, तो यहाँ से इनकी जो गाय थी ये वहाँ जाती थी, जहाँ पे पहले मंदिर हुआ, मतलब मंदिर गया वहाँ पे गाय जाती थी, अपना दूध दे के आ जाती थी। तो जो यहाँ के जिसकी वो गाय थी वो सोचता था कि दूध कहाँ जा रहा है। तो एक दिन उसने गाय का पीछा किया और देखा कि एक मतलब लिंग के ऊपर जो है गाय अपना मतलब ही दे रही है, तो उस वजह से क्रोध मार है उस लिंग मतलब उस पर उस शिवलिंग पे जो है लड़ी, उसमें रक्त की धारा निकलती है, कहते हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिनसर महादेव, और ये हमारे जो भक्त जन हैं मिल चुके हैं यहाँ पे। तो सभी एक बार जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हर महादेव। और देखिए यहाँ हर प्रतिवर्ष जो है बिनसर का मेला लगता है जून के महीने में, और अभी यहाँ पे कथा चल रही है। और कथा का जो समय है ये आपके अप्रोक्सली 6 बजे के समाप्त हो जाएगी, और अभी भी जो है पब्लिक आने नहीं है, और जो मेला लगा है वो मंदिर परिसर से बाहर लगा हुआ है। बाकी जो पहले मेला था वो साइड में लगा करता था, सामने आपको दिखाई देगा कि मेला उधर लगता है, जो कि आप ऊपर लग रहा है, जो कि एक तरीके से सही भी है। देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ भाई उमेश बिस्टा जो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो अगर हमारे उमेश भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उमेश भाई आपने बहुत ही मतलब ज़बरदस्त बनाया है, और ये मतलब बिनसर महादेव को एक वो देता है, एक लुत्फ देता है जो भी कहो, ये ओम नमः शिवाय। और बाकी इस साइड ही पहले मेला लगा करता था। पब्लिक अभी भी आने में है, और भीड़ काफी यहाँ पे, अगर आप आएंगे तो जूते चप्पल यहाँ पे उतरे जाएंगे, और यहाँ पे सेवा लगे हुए हैं सारे भक्ति सेवा करने वाले यही हैं सारे, और ये देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ यहाँ पे सुंदर भोलेनाथ का। और ये देखिए यहाँ रहते हैं हमारे महादेव, हमारे महादेव। देखिए आप खाने के लिए आपको यहाँ पे लगभग खाने के लिए कपड़े के लिए कपड़े टप ले ले, देखो तो कुछ खाना चाहते हो? उपाध्याय बता रहा है क्या खाना है, वाटर मिलन। तो आज लक्की उपाध्याय पार्टी देने वाला यहाँ को आपको सबसे क्या दे रहा है गिलास में, ये बॉल इसकी 3 बॉल है, 30 की 3 बॉल पहली बॉल पे 6 बजे टीम से 200 बता दिए, पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे दे दिए। तो पहले कौन ट्राई कराया है? तो राजू भाई ट्राई कर रहे हैं पहले, तो निशाना गलत हो गया, चुप चुका है। तो लक्की उपाध्याय ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपस में
चल रहा है बॉल की, मेरे को तो मैं ट्राई करता हूँ। तो मनोज भी दोबारा थे यहाँ रेडी हो गए, तो मनोज जी ने मारा तो चुक चुका है, इनके तीन गिलास ऊपर रह गए। अभी देखते हैं क्या है, अभी तीन गिलास और रखें तो निशाना गलत। तो मनोज ने कोशिश करी थोड़ी बहुत, तो सारे गिरा चुके हैं, सारे गिरा चुके हैं। सारे गिरा चुके हैं, ऊपर गिरा नीचे टेबल से गिराने चारों गलत। तो तीसरा राउंड है इस बार, तीसरी बार फर्स्ट टाइम तो राजू भाई ट्राई कर रहे हैं, राजू भाई का निशाना गलत गया। तो लकी उपाध्याय ट्राई कर रहे हैं, तो इनके बॉल वापस जंप हो गए, वापस आ चुके बाहर की तरफ को, तो इन्होंने मैदान से बाहर कर चुकी है बॉल को। तो विजय उपाध्याय ने ट्राई किया और इनका भी निशाना बेकार गया। ट्राई ले लिया भाई ने दोबारा चौथी बार, तो पहला राउंड तो दूसरी बॉल पे उन्होंने गिराया, तो दो गिलास रह चुके, तो दो गिलास रह गए अभी, तो निशाना काफी अच्छा था उनका राजू विश्व का। तो लास्ट में उन्होंने गिराई, तो एक गिलास और रह गया, तो कोशिश करी उन्होंने, शायद उन्हें किस नाम से क्या बनाया भाई, आपके अवसर प्राप्त हो। देखिए यार, भविष्य बताया जा रहा है बाबा जी, भविष्य बता रहे कितना पैसा ले रहे हैं, दुख मिल रखा है राहुल, अरे बाबा जी इनको बताओ, इनका आर्मी का पेपर नहीं हो रहा है, कब होगा पूरा बताओ ना, वो आने वाले टाइम में होगा भी नहीं भाई, विशेष परिश्रम से कारोबार में अधिक लाभ को और नवीन कार्य आरंभ के लिए वर्ष फलदायक है। नवीन कार्य क्या हुआ, नया काम कोई चाह रहे हैं तीन साल, और ग्रह तो उतर ही गए, आपको छल्ला देना है बीच वाली ठीक है ना। ये इसमें ऐसा क्या शॉर्ट है, मतलब जरा इसके बारे में थोड़ा कितने का तल्ला है, तो ऐसा है ज्योतिष द्वारा बना हुआ पेपर है ना, हम भी बोल रहा था नहीं, ये चीज ये तो घोड़े की नाल का बनता है, 500 की नाल है, घोड़े का नाल पड़ता है वो मेरे को पता है, कहने का मतलब ये शनि को शांत करने के लिए हो गया, वैसे लोहा शनि से तो है।